हाँ शकुंतला जी, क्या कहेंगे आज आपका निर्विरोध निर्वाचन लगभग कंफर्म है, आप निर्विरोध सामान्य कोटि की निदेशक बन गई हैं, तो क्या कहेंगी आप आज अपने समर्थकों से, क्या कहेंगी? जे जे हमके साथ दे ओके हम बधाई दे में ओके प्रणाम करम ओकरा के हम विकास कर, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। भारत पिछले दिनों केंद्रीय सहकारी बैंक सिवान के सहकारिता के विभिन्न पदों को लेकर के नामांकन हुआ था, नामांकन के पश्चात समीक्षा हुई, समीक्षा के बाद आज नाम वापसी का अंतिम केंद्रीय माटी के पद ऐसी के तौर सलाह निरोध निर्वाचन तय हुआ है और इस बात की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। हम आपको बता दें कि इस पद के लिए लगभग 4 से अधिक प्रत्याशियों ने अपने नामजदगी का पर्चा भरा था, लेकिन आज अंतिम दिन जो अन्य प्रत्याशी थे उन्होंने अपने नामजदगी का पर्चा वापस लेकर के जो यहाँ वरिष्ठ समाजसेवी हैं हृदयानंद पांडे जी, उनके पत्नी शकुंतला देवी के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर किया है और इन्हें आज निर्विरोध निदेशक पद पर निर्वाचित किया गया है। हम आपको बता दें यह सामान्य कोटि की महिला निदेशक होंगी और ये आज इस निर्विरोध निर्वाचन के बाद काफ़ी खुश दिख रही हैं और इस निर्विरोध निर्वाचन के बाद इनसे हम लोग जानेंगे कि सहकारिता के क्षेत्र में कोऑपरेटिव के विकास को लेकर के इनकी आगे क्या कार्य योजना होगी। विवेक क्या कुछ कहेंगे आज? हाँ विजय बाबा, आज क्या कहेंगे, आज आपके समर्थन में लगातार 3 लोगों ने नामजदगी का पर्चा वापस लिया, आप निर्विरोध सामान्य कोटि के निदेशक पद पर निर्वाचित हुई हैं, आपकी मेरी मेरी पत्नी शकुंतला देवी सामान्य निदेशक पद से निर्वाचित हुई है। इसके लिए सभी पैक्स अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल केन यूनियन को बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं उन अभ्यर्थियों को बधाई देता हूँ, जो मैं अध्यक्षों को बधाई देता हूँ जो मेरे पक्ष में अपना नाम आपस लिए हैं, उन लोगों को कोट कोट प्रणाम, कोट कोट बधाई। मैं उन लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हूँगा और नाम लेने वाले अभ्यर्थियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। चाहेंगे कि निस्वार्थ सेवा और बैंक हित में सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजना को मैं भरपूर प्रयास करेंगे कि अच्छा से लागू किया जाए। लगातार बाबा आप 25 वर्षों से बाबा लगातार आपकी पत्नी पैक्स अध्यक्ष हैं और तमाम तरह के दुष्प्रभावों के बीच आपने अपने पैक्स को जिले का नंबर 1 पैक्स बनाया है, आपके यहाँ गोदाम सहित तमाम संसाधन उपलब्ध है, तो जिले के अन्य पैक्सों के विकास को लेकर के आगे आपका चूंकि कार्यकाल 5 वर्ष का होगा तो आगे आपकी क्या कार्य योजना? हम चाहेंगे कि हर विकास हर पैक्स हर व्यापार मंडल में हो और उसको अच्छा से चलाया जाएगा और आने वाला 5 साल में और विकसित अपने पैक्स को करेंगे और लोगों को विकसित करने के लिए चलाएंगे योजना जो आएगा सरकार द्वारा, किसी भी तरह का योजना चलाई जाएगी उसे धरातल पर उतारा जाएगा। आपकी पत्नी धर्मपत्नी जो है निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है, तो इसके पीछे राज क्या है कि ये जो भी लोग थे वो क्यों पीछे हट गए? लोगों का सहयोग आ रहा, मैं उन लोगों को बधाई के पात्र हैं, वो लोग बहुत बधाई के। नाम बता दीजिए। हृदयानंद पांडे बोल महिला से ओकरा हाँ। के बधाई ओकरा के साथ हम दे। चलिए चुनाव आपकी धर्मपत्नी जीत चुकी हैं निर्विरोध, इसके लिए सबसे पहले आप जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं धन्यवाद उनको किस तरह से करेंगे आप? मैं सभी पैक्स अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे इस काम में निर्विरोध काम में पहल किए और पहल करने के बाद साबित कर दिए मेरे स्वभाव और मेरे व्यवहार और मेरे को देखते कार्यकाल को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया आखिर इन्हीं को 5 वर्ष के लिए कार्यकाल देखा जाए छोड़ा जाए और मेरे पक्ष में उन लोगों ने मेरा समर्थन का। ऐसा तो नहीं आपको 25 साल से आपकी धर्मपत्नी पैक्स अध्यक्ष पद पर विराजमान है और ये सामान्य कोटि के जो निदेशक पद का जो सीट के लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे और सीट कंफर्म हो चुका है, आपकी धर्मपत्नी अब निर्विरोध जीत चुकी है, तो इसके तहत किस तरह कार्य करेंगे किसान भाइयों के लिए? व्यापार मंडलों को हर तरह का हर किसान हर व्यक्ति मदद करते चला आता हूँ और चल करता भी हूँ, कुछ नहीं थे तब भी किए हैं, अपने पैक्स में भी हर संसाधन से हर व्यक्ति के पास अपना
क्रियाकलाप से उन लोगों को खुश करने का प्रयास करता हूँ और खुश रखता भी हूँ। इसलिए अपने आप को मैं इतने दिनों से कार्यकाल में हूँ। धन्यवाद। शकुंतला देवी सामान्य कोटि के